रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनमोल वचन, हम महानता के सबसे करीब तब होते हैं जब हम विनम्रता में महान होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में 7 मई 1861 में हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में अपने गीतांजलि कविता संग्रह के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार जीतने वाले एशिया के पहले व्यक्ति बने। उन्हें प्यार से कई उपनामों से संबोधित किया जाता है, जैसे गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि। टैगोर भारत के सबसे प्रसिद्ध सब लेखकों में से एक थे। रविंद्रनाथ टैगोर भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रचयिता भी रहे हैं। साथ ही 1954 में रविंद्रनाथ टैगोर को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था।